मसूरी में हुए दो दिवसीय कराटे चैंपियनशिप में 11 राज्यों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इसमें करीब 350 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपना हुनर दिखाया। यह प्रतियोगिता राज कराटे एकेडमी के तत्वाधान में की गई। प्रतियोगिता के आयोजक हेमराज शर्मा का ये कहना है कि राज्य में इस तरह की प्रतियोगिता करके स्थानीय खिलाड़ियों में निखार तो आएगा ही, लेकिन वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कराटे के लिए भी अपने आप को तैयार कर पाएंगे। डेडिकेटेड टू निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, हम इनको ही डेडिकेट करते हैं। हर साल इस बार ये तीसरा चांस है, तीसरा ईयर है, तो क्योंकि वो जो एक घटना हुई थी निरंकारी बाबा जी का जो एक्सीडेंट के रूप में, तो उसके बाद हमने टूर्नामेंट जो शुरू किया, तो शुरू तो हमने करना ही था, तो हमें लगा कि हम कैसे इसको, इसका प्लेटफॉर्म किस तरह से बनाएं, क्योंकि बेसिकली मैं मिशन से हूं, तो मुझे लगा क्यों ना हम बाबा जी को इसको समर्पित करें, लोग आकर के देखें, हम अच्छा बच्चों को यहां पर बहुत अच्छा दे सकें। वही उनका ये भी कहना है कि कराटे कई मायने में अहम भी है। हेमराज कहते हैं कि इससे खेल को तो बढ़ावा मिलता ही है, लेकिन आत्मनिर्भरता और शरीर को फिट रखने के लिए भी ये बेहद जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ तो ये सभी गर्ल्स के लिए, स्कूल में पढ़ने वाली गर्ल्स या और भी उससे, क्योंकि इसमें तीन चीजें हमें प्राप्त होती है, सेल्फ डिफेंस, फिजिकल फिटनेस और साथ में स्पोर्ट्स, तीनों चीज़ें हमें इसमें, खेल का खेल हो जाता है, आत्मरक्षा के लिए स्वयं आत्मरक्षा जो है, क्योंकि पंच और किक जब चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि, और वैसे भी इसका स्पेशल कोर्स हम करवाते हैं आत्मरक्षा के लिए इसी में ही, और जब हम इतना वर्कआउट करते हैं तो फिजिकल फिटनेस खुद ही हो जाती है, इसलिए ये गेम बहुत ही कारगर है आत्मरक्षा के रूप में। वहीं प्रतियोगिता में पहुंचे खिलाड़ियों की माने तो इससे खेल में कंपटीशन का पता तो चलता ही है, लेकिन महिलाओं को ये काफी आत्मनिर्भर भी बनाता है। मेरे को 2.5 ईयर्स हो गए हैं कराटे करते हुए। मैं ऐसे कहना चाहूंगी कि ये सभी के लिए बहुत यूज़फुल है, खास करके लड़कियों के लिए। लड़कियों को इस चीज़ में आना चाहिए, ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं है, इससे हमें कंपटीशन के बारे में भी पता चलता है कि कंपटीशन किस किस टाइप के होते हैं और किस किस लेवल पे हो सकते हैं। मैं मुस्कान चौहान मध्य प्रदेश से हूँ। मैं नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ 2015। मेरा एम WKF मेडल है। वैसे बिलोंगिंग दिल्ली का हूँ, बट मैं जॉब अभी करंट में मैं आर्मी में हूँ, आर्मी अभी मैं राजपूत रेजिमेंट में हूँ, उनकी मेन टीम का कोच हूँ और सेंट्रल कमांड टीम का मेन कोच हूँ मैं। और अभी मैं करंट में मैं इंटरनेशनल खेला हुआ हूँ, साउथ एशियंस खेला हुआ हूँ मैंने, और अभी मैं करंट में थाईलैंड खेल के आया था, थाईलैंड ओपन कराटे चैंपियनशिप उसमें भी मेरा है, और मैं रिसेंटली 2 साल से मेरा नेशनल्स कंटिन्यू मेडल भी है, ये है मेरा। राज कराटे एकेडमी की तरफ से जो विगत 3 सालों से मसूरी में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, यह एक सराहनीय कदम इस मायने में माना जा रहा है कि कहीं न कहीं स्थानीय खिलाड़ियों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। मसूरी से सुनील की रिपोर्ट।